और इसको थ्राइव करने के लिए इसको थ्राइव करने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है फूड वार्म एंड मॉइस्चर मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है अब अगर हम बात करें आपकी जो ईस्ट होती है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है सेक्रो माइसिस सर्विस सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट अब अगर हम बात करें आपके इष्ट के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो कौन से टाइप का होता है तो रेस्पिरेशन आपके इष्ट के अंदर जो हमें देखने को मिलता है वो आपका होता है अनएरो रेस्पिरेशन अनएरोगिक रेस्पिरेशन आपका वो टाइप होता है जिसके अंदर आपकी ऑक्सीजन होती है ये आपकी ऑक्सीजन एबसेंट होती है तो ऑक्सीजन का एब्सेंट होना क्या होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है अब अगर हम बात करें आपका अन एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें आपका क्या हो जाएगा जैसे कि ये रेस्पिरेशन तो ये आपका हो जाता है इथेनॉल, इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ वॉटर एनर्जी। सो आपकी जो एनर्जी होती है वो भी इसके साथ सिंथेसिस होती है तो दिस इज ऑल हाउ व्हाट इज अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो आपका अनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है सो दिस इज द आंसर विद दिस थैंक यू क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर